काफी टाइम से मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स के थ्रू और इंस्टाग्राम में डीएम के थ्रू कि भैया एक कॉर्ड के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग के कलेक्शन लेके आइए, उसमें ओल्ड भी होना चाहिए और न्यू भी होना चाहिए। तो आज मैं आया हूँ वन कॉर्ड के साथ 30 सॉन्ग्स का कलेक्शन लेकर कि आप वन कॉर्ड पर, सिंपल सी वन कॉर्ड पर आप 30 सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। अगर आप बिगनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने आज ही गिटार लिया हो, एक महीना हुआ हो, दो महीना हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉपर तरीके से इस सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि कुछ लोग बोले थे कि भैया ये स्ट्रमिंग समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सी इजी स्ट्रमिंग पे ये कलेक्शन बता दिए। तो आज मैं इस वीडियो में तीन स्ट्रमिंग पैटर्न लाया हूँ, तीन स्ट्रमिंग पैटर्न जो इजी से इजी है। ये इसलिए मैं लाया हूँ कि अगर आप लोग एक स्ट्रमिंग पे प्ले ना कर पाए तो दूसरे स्ट्रमिंग पे प्ले कर लें, दूसरे पे प्ले ना कर पाए तो थर्ड पे प्ले कर लें। वैसे आप लोग इन तीनों स्ट्रमिंग पे प्ले कर पाएंगे। तो आज मैं इन 30 सॉन्ग्स को अलग 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 थ्री स्ट्रमिंग पैटर्न पे प्ले करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और भी आसानी हो सके और आसान तरीके से प्ले कर सकें। सो वेलकम टू माय चैनल अकॉस्टिक विद बॉय, मेरा नाम है फैसल। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इसके कॉर्ड से, और कॉर्ड बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इससे आसान शायद ही कोई कॉर्ड्स होगी। बेसिकली क्या करना है, हम लोग लगाएंगे जी मेजर कॉर्ड, एंड इसको एक मैंने न्यू स्टाइल से क्रिएट किया है। इसको होल्ड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के नीचे जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसके थर्ड फ्रेट पे रख सकते हैं थर्ड फिंगर, एंड ऊपर एक थंब से आप होल्ड करिएगा सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग को होल्ड करिए। होल्ड इतना करना है कि इसका साउंड ना आ पाए, जैसे ये साउंड आ रहा है इसका साउंड नहीं लाना है, बस ऐसे ही रख लेना है थंब को, बस इजीली इसके ऊपर रख देना ताकि इसका साउंड ना आए। तो इसका साउंड यहां से बंद हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी सिक्स स्ट्रिंग पे आप स्ट्रोक कर सकते हैं, ओके। एंड जो लोग को अगर जैसे थंब रखने में प्रॉब्लम है तो इनके लिए भी एक छोटा सा रास्ता है मैंने निकाला हुआ है कि अगर आप लोग थंब नहीं रखना है तो नहीं रख सकते, सिर्फ एक फिंगर रख लेंगे आप लोग। बस आप लोग एक चीज का ध्यान देना है कि ऊपर की सिक्स और फिफ्थ स्ट्रिंग को स्ट्रोक नहीं करना है, मतलब आप लोग का प्लेक्ट्रम फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग पे नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग नीचे के वन टू थ्री फोर स्ट्रिंग्स पे आप लोग स्ट्रोक कर सकते हैं, और अगर थंब रख लेंगे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग थंब रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आप लोग का पूरी फ्रीडम होगी कोई भी स्ट्रिंग्स को टच करने के लिए, कोई भी स्ट्रिंग को स्ट्रोक करने की। एंड अब जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न कौन से यूज किया है। तो उसमें जो पहला स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप। इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, सिंपल सा है डाउन डाउन अप डाउन। और सॉन्ग्स में थोड़ा सी फास्ट या स्लो स्ट्रमिंग पैटर्न हो सकता है, जो तीनों में स्ट्रमिंग पैटर्न बताने वाला हूँ फास्ट और स्लो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रमिंग पैटर्न ये रहेगा। अगर मैं बोलूंगा पहला स्ट्रमिंग पैटर्न उस पर सॉन्ग बताऊंगा तो सारे पहले स्ट्रमिंग के होंगे, बस स्पीड आगे पीछे हो सकती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी देख लेते हैं इसमें मैंने दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न कौन से यूज किया है। तो उसका दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न वो है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन एंड डाउन अप डाउन अप। सामने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। इसको नॉर्मल स्पीड में प्ले करेंगे डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हम लोग प्ले करने वाले हैं इसकी थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न, और देखते हैं मैंने इसमें थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न कौन सा यूज किया है। तो इसमें जो थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन देन डाउन अप डाउन। एकदम थोड़ा सी फास्ट करेंगे डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। आप लोग को बिल्कुल ऐसे माइंड सेट करके चलना है, ऐसे माइंड में आपको बोलते रहना डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि स्ट्रमिंग जिस तरीके से लिखा होता है वो उसी तरीके से प्ले करने लगते हैं। लाइक मैंने बोला डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन देन डाउन अप डाउन अप, ऐसे प्ले नहीं करना है, माइंड में एक रिदम के साथ प्ले करना है डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। सो आई होप आप लोगों ने सारे तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न की प्रैक्टिस कर ली होगी, एंड अब मैं वन बाय वन स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बताऊंगा और उसके साथ 10 सॉन्ग्स परफॉर्म करूंगा। तो आप लोग इसी एक कॉर्ड लगाकर आप लोग 30 सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोग को स्केल लो लगे, किसी को अगर स्केल लो लग रही हो तो आप लोग केपो को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड फ्रेट पर ऐसे लगवा रहा हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, केपो को यूज करके अगर आप लोग को लो लग रहा है तो आप लोग केपो को लगाकर वन टू थ्री ऐसे थ्री फ्रेट पे, मतलब केपो लगने के बाद हम लोग काउंट करते हैं ये पहला फ्रेट। तो इस तरीके से जैसा आप लोग को पिच अगर लो लगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग केपो लगाने के बाद वन टू थ्री फ्रेट काउंट करके वहां से फिंगर रख सकते हैं, सेम साउंड आएगा, बस पिच चेंज हो जाएगी, ओके। तो आप कॉर्ड और स्ट्रमिंग को मच करते हैं और देखते हैं इसको कैसे प्ले किया जा सकता है। स्ट्रमिंग नंबर वन डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं
अब मुझको जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखरी, तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे ख्वाब रखना, चिट्ठे तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। माही मैनु छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चल जाए माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तुझे सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ओ तुझे कितना चाहने लगे हम। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जाने सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। स्टेमिंग नंबर 3, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए, ख्वाजा मेरे ख्वाजा में समा जा, शाह का शादू अली का दुलारा, ओ कबीरा मान जा, फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे उतर पाती है, ओ सनम तेरी यादों की कसम। मेरे दिल में तेरी धड़कने थी मुझको ना इश्क, मुझ में सांस ले रहा था मुझको हुई ना खबर, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनु प्यार करदा है, मुझे कैसे पता ना चला कि मेरा इंतजार करदा है। तू चलती है पवन गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना
आई होप लाइक दिस वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड बाकी में अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरा एक छोटा सा व्लॉग चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें मैं व्लॉगिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो प्लीज़ जिस तरीके से आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी, प्लीज़ उस पर जाकर मुझे जो है फॉलो करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो गिटार से रिलेटेड, कोई भी रिक्वेस्ट हो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं लेसन बना सकूँ। और आज की वीडियो भी मैं आप लोग की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं इसी तरीके की किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।